गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी विल लर्न साइंस इन क्लास 5। आज हम लोग कक्षा 5 में विज्ञान पढ़ेंगे। इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 6 पार्ट 6 पार्ट 1 भाग 1 हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको आप लोग केवल रफ कॉपी पे ही नोट करिए, क्योंकि आज हम पढ़ाएंगे उसके बाद लिखाएंगे अगले दिन। तो आप लोग केवल इसको रफ करिए, रफ करके इसको समझिए। देखिए, चैप्टर 6 में पाठ का नाम है आवर नर्वस सिस्टम। आवर नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका तंत्र, क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोग स्केलेटन सिस्टम के विषय में पढ़ चुके हैं। स्केलेटन सिस्टम के विषय में बताया गया है, और अब अगला है अगले चैप्टर में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र में क्या है, यह इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आगे यहाँ लिखा गया है, इट इज मेड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम जो है, यह ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स से मिलकर के बना है। यह तीनों से मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बना है। देखिए, यहाँ देखिए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिल करके क्या बनाते हैं, ये नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। नर्वस सिस्टम का ये निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ ब्रेन, अब हम ब्रेन के विषय में पहले, सबसे पहले ब्रेन के विषय में पढ़ेंगे। ब्रेन क्या है, मस्तिष्क क्या है, ब्रेन मस्तिष्क या दिमाग के विषय में पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं, मस्तिष्क हर कार्य वो करवाता है। मस्तिष्क हमें बोलने के लिए कहता है तो हम बोलते हैं, आप लोगों को सुनने के लिए कहता है तो आप लोग सुनते हैं, मस्तिष्क भोजन करने के लिए कहता है तो भोजन करते हैं, हंसने के लिए कहता है तो हंसते हैं, रोने के लिए कहता है तो रोते हैं। मतलब मस्तिष्क जो काम करवाता है वही हम लोग करते हैं, वो जो भी क्रियाकलाप करवाएगा वह करना पड़ेगा मस्तिष्क। ब्रेन जो है, यह अगर देखने के लिए कह रहा है तो आप देखेंगे, ठीक है, तो माने आप स्वतः नहीं कहते हैं, ब्रेन स्वयं कार्य करवाता है। देखिए, यहाँ लिखा गया है ब्रेन, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क या दिमाग। यह क्या है, ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसा कि हम आप लोगों को बताए कि ब्रेन क्या है, ए पार्ट, एक भाग है नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र के, तंत्रिका तंत्र के एक भाग है, ब्रेन एक पार्ट है। इट
इट मीन्स यह, इज मीन्स है, द कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण, सेंटर, सेंटर मीन्स केंद्र, आप ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में यह एक नियंत्रण केंद्र होता है। ब्रेन क्या है? नियंत्रण केंद्र होता है, मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र होता है, यह सारे क्रियाकलापों पर अपना नियंत्रण रखता है। आई बात समझ में? वो सारे क्रियाकलाप को करवाता है या नहीं करवाता है, सब पे अपना नियंत्रण रखता है ब्रेन। ब्रेन हमेशा चलता रहता है, हमेशा अपना काम करता रहता है, चाहे आप सोते रहें, चाहे जागते रहें, चाहे घूमते रहें, ब्रेन हमेशा काम अपना करता रहता है। अब देखिए, ब्रेन आगे लिखा गया, इट रिसीव्स, यह इट रिसीव्स, इट मीन्स यह, रिसीव्स मीन्स प्राप्त करता है, एंड गिव्स देता भी है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना, इन्फॉर्मेशन सूचना, फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, एंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यह पूरे पार्ट ऑफ बॉडी को सूचना देता है और सूचना लेता भी है, दोनों काम करता है। मस्तिष्क सूचना लेता भी है और सूचना देता भी है। जैसे हम जा रहे हैं और या आप लोग जा रहे हैं सड़क रास्ते में, कोई थ्रोन, थ्रोन मीन्स कांटा, या कोई कील लोहे की आपके पैर में चुभ जाती है, तो तुरंत पैर जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, तुरंत मस्तिष्क को यह सूचना दे देती हैं कि पैर में कांटा या कील चुभ गया है। ठीक है, तुरंत एट वंस, तत्काल जो है मस्तिष्क यह हाथ को, आँख को, ठीक है, या किसी भी अंग को, हाथ को तुरंत आदेश देता है कि पैर से कीली निकाल लो, कांटे को निकाल दीजिए, तो आप तुरंत कांटा हो या कीली हो उसको तुरंत निकाल देते हो कि नहीं। तो यह समझ लीजिए कि जब मस्तिष्क के पास संदेश गया, तुरंत उन्होंने किसी अंग को, आर्गन को, मस्तिष्क तुरंत इन्फॉर्मेशन किया कि आप यह काम कर डालिए, तो वह तुरंत अपना काम, इसमें भी एक पल भी देरी नहीं होती है, मस्तिष्क को सूचना देने में एक पल की देरी नहीं होती है। यह समझ लीजिए मस्तिष्क इतना फास्ट वर्क करता है। तो देखिए, अब वेट, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यह एडल्ट जो वयस्क होते हैं उनके मस्तिष्क का वजन होता है 1.4 kg, 1.4 किलोग्राम होता है। आई बात समझ में? केवल आप लोग इसको पढ़िए और रफ नोट करिए, नोट करके लर्न करिएगा। इसका वजन कितना होता है, 1.4 kg का होता है एडल्ट में। अब देखिए, ब्रेन, ब्रेन जैसे सर क्या हुआ, ब्रेन का काम क्या है, फील, अनुभव करना, हार्ट, कोल्ड, पेन, यह सब क्या करता है, तुरंत जो है जब दिक्कत होती है, हार्ट है गर्म से, आप गर्म पानी में
हाथ डाल दिए, ठीक है, तो आपकी त्वचा जो है वह तुरंत मस्तिष्क सूर्य पानी गर्म है, मस्तिष्क तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन किया कि हाथ हटा लीजिए वहाँ से, तो हटा लेते हैं। आप देखिए मस्तिष्क जो है ब्रेन, यह खोपड़ी, स्कल के विषय में हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। स्कल मीन्स होता है खोपड़ी। अब खोपड़ी के अंदर ही ब्रेन रहता है। खोपड़ी ब्रेन कहाँ पाया जाता है? खोपड़ी के अंदर रहता है। देखिए ब्रेन और खोपड़ी के बीच में कुछ होते हैं फ्लॉइड। फ्लॉइड एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, जो बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, ठीक है, वह फ्लो करता रहता है। फ्लो मीन्स बहता रहता है। फ्लॉइड लिक्विड पदार्थ होता है, वह खोपड़ी और ब्रेन के बीच में बहता रहता है। जब हम लोग अब वो बहता रहता है, हम लोग जब उछलते हैं तो मस्तिष्क भी उछलता है, या हम लोग कूदते हैं, जर्क करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, ठीक है, तो मस्तिष्क भी हम लोगों के साथ उछलता रहता है, कूदता रहता है। तो ये आप समझिए कि अगर यह फ्लॉइड न रहे, लिक्विड पदार्थ न रहे, तो मस्तिष्क और खोपड़ी में हमेशा टकराव होता रहेगा, होता रहेगा कि नहीं? अगर यह फ्लॉइड न रहे, लिक्विड पदार्थ न रहे, तो स्कल और ब्रेन में हमेशा जो है टकराव होता रहेगा, होता रहेगा कि नहीं? क्योंकि हम हमेशा चलते हैं, कूदते हैं, साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं, या क्या होता है, इंजरी या कोई चोट लग जाती है, इंजरी, हम घायल हो जाते हैं, तो यही फ्लॉइड जो लिक्विड पदार्थ होता है, यह हमें जर्क, उछाल या इंजरी से बचाता है, हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है, हमारे ब्रेन को सुरक्षित, यह स्कल से टकराने नहीं देता है, खोपड़ी से टकराने नहीं देता। मान लीजिए यह स्कल तो ब्रेन की रक्षा करता ही है भाई, तेज धूप हो, तेज बारिश हो, या कोई बाहरी आघात हो, ठीक है, जो सर पे लगता है, तो यह खोपड़ी बचाती ही है ब्रेन को, इसकी सुरक्षा करती है। लेकिन अगर आंतरिक कोई दिक्कत होता है तो यह लिक्विड यह हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है। तो आप लोग देखिए यह ब्रेन के विषय में यहाँ हम ब्रेन का फिगर बनाए हैं, चित्र है ब्रेन का। तो ब्रेन देखिए यह धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, एक दूसरे से सब लिपटी हुई होती हैं। ब्रेन का आकार, जब ये खोपड़ी को आप खोलेंगे या डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग जब खोपड़ी का ऑपरेशन करते हैं, तो ब्रेन का फिगर इसी तरह से होता है, एक दूसरे में सारे नर्व्स घिरे रहते हैं, ठीक है, देखिए जैसा चित्र बनाया गया है। अब सबका अलग अलग कार्य होता है और सबका अलग अलग नाम होता है। तो देखिए यहाँ जो लिया गया है, तो इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। यह सफ़ेद रंग में हम इसको दर्शाए हैं, सफ़ेद, इसको गुलाबी,
रंग से दर्शाए हैं, तो यह है पेरिएंटल लोब। क्या है? पेरिएंटल लोब है। यहाँ पीले रंग से दर्शाया गया है, बनाया गया है, इसको कहते हैं टेम्पोरल कॉर्ड। और यहाँ थोड़ा सा उभार टाइप में है, इसको कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं? सेरेबेलम, सेरेबेलम। सबसे यहाँ देखिए, यहाँ एकदम नुकीले टाइप का है, यहाँ उभार टाइप का है, सबसे ज़्यादा उभार यहाँ है, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। यही स्पाइनल कॉर्ड के विषय में हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल ब्रेन के विषय में ही पढ़ रहे हैं, ब्रेन के विषय में केवल पढ़ेंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड के विषय में अगले टर्म में पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, पार्ट, ब्रेन कितने पार्ट का होता है? ब्रेन, अब यहाँ ब्रेन का पार्ट देखिए, पी ए आर टी, पी ए आर टी, पार्ट। पार्ट मीन्स भाग। देखिए ब्रेन तीन भागों में बांटा गया, ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सेरेबेलम, सेरेबेलम। तो यहाँ आप देख लीजिए, ब्रेन हैज बी आर ए आई एन, ब्रेन हैज थ्री पार्ट, टी एच आर ई पार्ट, पी ए आर टी एस, ब्रेन हैज थ्री पार्ट। मस्तिष्क को हम तीन भागों में, या मस्तिष्क तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सेरेब्रम, सेरेब्रम, पहला सी ई आर ई बी आर यू एम, सी ई बी ई आर, सी ई आर ई बी आर यू एम, इसको क्या कहते हैं? सेरेब्रम, सेरेब्रम। दूसरा है सेरेबेलम, सी ई आर ई बी ई डबल एल यू एम, सेरेबेलम, सेरेबेलम, बेलम। और तीसरा पार्ट है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, बी आर ए आई एन, ब्रेन स्टेम, एस टी ई एम ओ आर, आर, इसको मेडुला भी बोलते हैं, ब्रेन स्टेम या मेडुला, एम ई डी यू डबल एल ए, मेडुला। तो देखिए यहाँ सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम आर मेडुला, ये मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। क्योंकि आप लोग भी पढ़िए, हम भी सीखिए,
हम भी आप लोग के साथ पढ़ रहे हैं, और आप लोग जब बताएंगे तो हम भी थोड़ा हमको भी पढ़ने में खुशी होगी। तो देखिए यहाँ यह तीन पार्ट है। अब यह तीनों भाग सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेनस्टेम, यह संदेश मैसेज को देता भी है और लेता भी है। अब देखिए सेरिबेलम इज द बिगेस्ट पार्ट। सेरिबेलम क्या है? सेरिब्रम यह बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का यह सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। यह क्या करता है? यह रिसीव्स प्राप्त करता है मैसेज, संदेश को प्राप्त करता है सेंस ऑर्गन, संवेदी अंगों के द्वारा यह मैसेज को प्राप्त करता है, संवेदी अंगों द्वारा यह मैसेज को प्राप्त करता है। एंड टेल्स अस व्हाट टू डू, एंड टेल्स अस व्हाट टू डू, और यह कार्य करने को क्या करना है उसके लिए बताता है। ठीक है, इसको हमने बताया कि सेरिब्रम यह बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, और यह मैसेज को सेंस ऑर्गन द्वारा, संवेदी अंगों द्वारा रिसीव करता है, प्राप्त करता है, एंड टेल्स अस व्हाट टू डू, और क्या करना है इसके लिए यह बताता है। अब देखिए सेरिब्रम हेल्प्स क्या करता है, क्या क्या हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। सी देखने में, टेस्ट स्वाद, टेस्ट मीन्स स्वाद, हियर सुनने में, एंड स्पीक बोलने में, यह हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। वी कैन थिंक हम थिंक सोच सकते हैं, लर्न याद कर सकते हैं, रिमेम्बर भी में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि किस कारण, यही सेरिब्रम के द्वारा। तो हम चलते हैं, अब अगला है सेरिबेलम। सेरिबेलम यह सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम द बैक एंड बॉटम ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड सेरिबेलम। इसके पीछे का हिस्सा होता है, पीछे का और बॉटम में निचला हिस्सा सेरिबेलम कहलाता है। यहाँ देखिए जो सबसे निचला हिस्सा होता है यह सेरिबेलम कहा जाता है। अब देखिए इनका कार्य क्या है, यह भी इसे लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग, इसे लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेट्स एंड मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। यह कोऑर्डिनेट्स एंड द और मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स को, मांसपेशियों को यह क्या करता है? वॉलंटरी मसल्स बताए हैं आप लोगों को, ऐच्छिक मांसपेशियों पर यह कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स बैलेंस, यह शरीर के बैलेंस को भी बराबर करता है, अर्थात बॉडी को संतुलित भी करता है। इसका काम क्या है? बॉडी को संतुलन बनाए रखना।
व्हाइल, जबकि वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, चलते समय, दौड़ते समय, नाचते समय शरीर डिसबैलेंस न हो जाए, इसलिए यह सेरिबेलम शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है, इसका काम यह है। अब देखिए तीसरा है ब्रेन स्टेम आर मेडुला। ब्रेन स्टेम आर मेडुला यह कनेक्ट रहता है ब्रेन टू द स्पिनल कार्ड, यह ब्रेन और स्पिनल कार्ड से कनेक्ट रहता है। स्पिनल कार्ड यहाँ है देखिए, ठीक है, यह कनेक्ट रहता है ब्रेन टू द स्पिनल कार्ड। अब इसका काम देखिए, इट कंट्रोल्स इन वॉलंटरी एक्शन, यह जो क्रियाएं स्वतः होती हैं उस पर क्या करता है, यह कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स श्वसन करना, सांस लेना, हार्ट बीट, हार्ट बीट मीन्स हृदय की गति, हृदय की गति पर यह कंट्रोल करता है, और सांस लेने में कंट्रोल करता है, डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स होता है पाचन, और पाचन में भी, पाचन पर भी अपना कंट्रोल करता है, स्नीजिंग छींकना, स्नीजिंग मीन्स छींकना, यह सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, हृदय की गति, श्वसन, पाचन, छींकना, यह हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते हैं, यह ब्रेन स्टेम या मेडुला ही करवाता है, ठीक है, यह अनैच्छिक क्रिया है। इट वर्क्स, यह ब्रेन स्टेम वर्क्स इवन व्हेन यू आई स्लीप, ब्रेन स्टेम काम करता जब आप सो जाते हैं तब तक भी काम करता रहता है, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपका डाइजेशन बंद नहीं होता, ठीक है, हार्ट बीट बंद नहीं होता है और ब्रीदिंग बंद नहीं होता है, क्योंकि जब यह बंद हो जाएगा तो यह समझ लीजिए कि शरीर में प्राण नहीं रहेगा, मर जाएंगे लोग। तो यह सोते समय यह निरंतर डाइजेशन, हार्ट बीट और यह ब्रीजिंग, स्नेजिंग यह सब क्या है, यह सोते समय भी होता रहता है, शरीर की सारी इंद्रियां सो जाती हैं लेकिन यह सब अपना काम करते रहते हैं, ये लोग निरंतर कार्यरत रहते हैं, ये कभी रेस्ट नहीं करते हैं, आराम नहीं करते हैं। तो यह आप लोग रफ पे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप लोग याद करिए, अब हम लिखाएंगे इसको बाद में यह सब लिखाएंगे आपको, तो आप उसको फेयर करिएगा, अभी यह पढ़िए और लर्न करिए। थैंक यू।